हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। और ये है हमारे साथ में हीरो वीडा V1 Pro। और इस स्कूटर में आपको क्या कुछ स्पेसिफिकेशंस मिलने वाले हैं, सारी डिटेल शेयर करेंगे। ये काफी अच्छी रेंज वगैरह आपको प्रोवाइड करवाएगा एंड काफी सारे स्पेसिफिकेशंस के साथ ये स्कूटर आपको देखने के लिए मिलने वाला है। तो इस स्कूटर में क्या कुछ मिलेगा सारी चीजें बताएंगे। बाकी का चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें और वीडियो को लाइक करें। सबसे पहले बात करूं मैं लुक्स और डिजाइन की, तो लुक्स और डिजाइन काफी ज्यादा स्पोर्टी एंड काफी ज्यादा बढ़िया निकल के आता है। काफी सारे यहाँ पर आपको कलर कॉम्बिनेशंस देखने के लिए मिलते हैं। तो सबसे पहले इसका फ्रंट लुक दिखाऊं, तो फ्रंट लुक जो आता है वो काफी ज्यादा दमदार और बेहतरीन आपको लुक देखने मिलेगा। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप ऊपर देखोगे, यहाँ देखने के लिए मिलते हैं आपको टर्न इंडिकेटर्स हैं, वो प्रॉपर LED टर्न इंडिकेटर्स देखने के लिए मिलेंगे। और यहाँ एक विंडशील्ड वाइजर देखने को मिलेगा जो कि कुछ इस तरीके का होगा। लुक वाइज काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम फील आता है यहाँ इसके विंडशील्ड वाइजर को देख के। बाकी का थोड़ा सा नीचे चलेंगे, यहाँ देखने के मिलता है आपको वी की बैजिंग, लाइक विडा वी की बैजिंग देखने के मिल जाएगी। बाकी यहाँ देखोगे ऊपर का जो ये वाला पार्ट है, ये आपको तीन पार्ट्स में अलग अलग देखने के लिए मिलता है। लाइक यहाँ देखोगे ब्लैक कलर भी है, ग्रे कलर, वाइट कलर, तो ये कुछ कॉम्बिनेशन बना के काफ़ी ज़्यादा बढ़िया फील आ जाता है। बाकी बात करूँ मैं इसकी फ्रंट की लाइट की, तो यहाँ आपको अंदर की तरफ प्रोजेक्टर हेडलैम्प सेटअप देखने के लिए मिल जाता है। और ये जो लाइट है काफ़ी ज़्यादा यूनिक एंड काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन बनाने के लिए इसको और ज़्यादा प्यारा किया गया है। बाकी का ये जो है ये पार्ट है DRLs हैं जो कि काफ़ी बढ़िया लाइट और काफ़ी बढ़िया लुक्स के साथ ऑफर करेंगे आपको। वहीं मैं बात करूँ इसके सस्पेंशंस की, तो यहाँ जो सस्पेंशंस हैं वो आपको देखने को मिलेंगे टेलीस्कोपिक और काफ़ी बढ़िया एंड काफ़ी कम्फर्टेबल सस्पेंशंस देखने के लिए मिलेंगे। बाकी यहाँ देखोगे आपको 90x90 12 इंच के अलॉय व्हील के साथ में टायर देखने के लिए मिल जाता है। और यहाँ फ्रंट में आपको डिस्क भी ऑफर करेगा ये स्कूटर, तो ये काफ़ी अच्छा ऑप्शन हो जाता है। यहाँ पर आपको डायमंड कट अलॉय व्हील मिलेगा जो लुक्स काफ़ी ज़्यादा बेटर बना देगा। वहीं यहाँ पर आपको डिस्क देखने मिल जाता है जो ब्रेकिंग काफ़ी ज़्यादा बढ़िया बना देता है। बाकी यहाँ देखोगे ये कुछ इस तरीके का, यहाँ पर आपको मडगार्ड देखने मिलता है, मडगार्ड स्टिल दो पार्ट में है। और यहाँ देखोगे ब्लैक कलर और यहाँ पर ग्रे कलर का कॉम्बिनेशन है जो बहुत ही ज़्यादा स्पोर्टी फील दिलाता है इसके आगे के मडगार्ड को। अभी मैं बात करूं साइड लुक और साइड डिजाइनिंग की, तो काफी ज्यादा स्पोर्टी फील आएगा आपको इस स्कूटर को देख के, काफी ज्यादा बढ़िया फील आएगा। यहाँ पर यहाँ देखोगे आपको स्पेस जो है वो काफ़ी ज़्यादा स्पेस देखने के लिए मिल जाता है, काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन यहाँ पर स्पेस मिलेगा और डेली यूज़ टाइप के लिए आपको काफ़ी सारा स्पेस देखने के लिए मिल जाएगा। वहीं मैं दिखाऊं थोड़ा सा और पीछे चलते हुए लुक, तो यहाँ देखोगे यहाँ आपको ये पार्ट देखने के लिए मिलता है जो कि पूरा वाइट कलर में होगा। और ये वाला पार्ट जो है ये एकमात्र ऐसा पार्ट है इस गाड़ी का जो सबसे ज़्यादा बड़ा है, नहीं तो ये गाड़ी पूरी अलग अलग पार्ट्स में ही बटी हुई है। बाकी का लुक्स जो निकल के आता है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया निकल के आता है। एंड सबसे बेस्ट पार्ट इसका मुझे ये लगता है कि रेयर लुक जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया एंड बहुत ही ज़्यादा दमदार रेयर लुक निकल के आता है। आप यहाँ देखोगे ये जो रेयर का पार्ट है, लाइक ग्रैब हैंडल हो गया और जो दिख रहा है ये रिमूवेबल होता है। आप इसको अपने हिसाब से कस्टमाइजेशन करके इसको रिमूव करके यहाँ खाली ये वाला पार्ट रख सकते हो। और यहाँ देखोगे स्प्लिट सीट टाइप पे आपको ऑप्शन भी देखने को मिल जाता है, काफ़ी ज़्यादा बढ़िया एंड काफ़ी ज़्यादा बेटर हो जाता है। अब वहीं मैं बात करूँ इसकी रियर लाइट की, तो रियर लाइट जो है वो आपको फुल LED सेटअप रियर लाइट देखने को मिलती है। और पीछे की लाइट अगर देखोगे ना तो यहाँ रेड तो शो हो रहा है, बट स्टिल इसकी जो ये जो डिज़ाइनिंग है ये ऑलमोस्ट फ्रंट वाली ही सेम डिज़ाइनिंग रखी गई है। बाकी आप देखोगे यहाँ दो दो जगह विडा की वेजिंग देखने मिल जाएगी, यहाँ भी देखने मिलेगी, वहीं थोड़ा सा नीचे चलोगे यहाँ भी देखने के लिए मिल जाएगी। बाकी यहाँ आपको रिफ्लेक्टर भी पीछे नीचे की तरफ शो हो जाता है। बाकी थोड़ा सा साइड में दिखाएं तो रेयर लुक तरीके के निकल के आता है। यहाँ देखोगे आपको लाइक सिंगल स्विंग आर्म टाइप साइड में मोटर आपको फिटेड देखने को मिल जाएगी, अराउंड 6 kW की मोटर देखने को मिल जाती है। और यहाँ सस्पेंशन जो है वो स्प्रिंग लोडेड सिंगल सस्पेंशन ही इस तरफ देखने को मिलता है। बाकी यहाँ देखोगे सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए यहाँ एक साड़ी गार्ड का टाइप फाइबर का यूज़ भी किया गया है जो काफ़ी बढ़िया है। बाकी यहाँ पर आपको साइड स्टैंड और मेन स्टैंड दोनों ही देखने मिल जाते हैं, क्वालिटी काफ़ी अच्छी निकल के आती है। अगर बात करिए बूट स्पेस की, तो आपको अराउंड 26 L का बूट स्पेस यहाँ पर देखने के लिए मिल जाता है। बाकी अगर बात करूँ मैं यहाँ पर, तो अगर आप इसकी की देखोगे तो यहाँ पर आपको कीलेस एंट्री ये रिमोट कंट्रोल देखने के लिए मिल जाता है। बाकी इसके अंदर आपको एक छोटी सी की भी देखने मिलती है जो इसकी बैटरी को रिमूव करने के काम आती है। बाकी यहाँ पर ये प्रॉपर जो कनेक्ट होगी ये इस रिमोट से ही आप इजीली कंट्रोल कर सकते हो। बाकी मैं बात करूँ इसकी रेंज की, तो यहाँ पर कंपनी क्लेम जो रेंज है वो आपको देखने के लिए मिलती है 110 km, जो कि काफ़ी बढ़िया रेंज निकल के आती है। बाकी जो कस्टमर टेस्टेड रेंज है वो ऑलमोस्ट आपको 90 से 100 देखने के लिए मिल जाती है। बाकी बात करिए इसकी टॉप स्पीड की, तो टॉप स्पीड जो है वो आपको 80 देखने के लिए मिलती है। बाकी इसके अंदर आपको 3 मोड मिलेंगे, इको, राइड और स्पोर्ट मोड। बाकी चौथा मोड जो है वो कस्टमाइज्ड मोड है। इको मोड में अगर देखोगे तो 46 की टॉप स्पीड ये जाएगा।
राइड मोड देखोगे तो अराउंड 66 to 67 आप ये टॉप स्पीड जाएगी। बाकी अगर बात की जाए स्पोर्ट मोड की तो स्पोर्ट मोड में आपको ये 80 टॉप स्पीड प्रोवाइड करवाएगा। बाकी कस्टम वाले मोड की अगर बात की जाए तो कस्टम मोड में आप अपने हिसाब से स्पीड सेट कर सकते हो कि आपको कितनी स्पीड पे जाना है। बाकी का इसके अंदर आपको रिवर्स ऑप्शन भी देखने मिल जाता है। अब बात करूँ इसके हैंडल बार और ऊपर के व्यू की, तो हैंडल बार जो है वो काफ़ी ज़्यादा दमदार एंड काफ़ी ज़्यादा बढ़िया निकल के आता है। कुछ इस तरह हैंडल बार पे ऊपर जो स्विचेस हैं आपको उनको देख के बिल्कुल भी कहीं से कहीं सब कहीं तक ऐसा फील नहीं आएगा कि ये एक इलेक्ट्रिक स्कूटर है, क्योंकि इसमें आपको स्विचेस काफ़ी अच्छे देखने के लिए मिल जाते हैं। लाइक इधर देखोगे आपको कुछ बटन देखने को मिलते हैं, बाकी यहाँ पार्किंग स्विच, इंडिकेटर और नीचे की तरफ हॉर्न देखने के लिए मिल जाता है। बाकी दूसरी तरफ देखोगे यहाँ आपको SOS बटन देखने के लिए मिलता है। बाकी यहाँ पर आपको ये बटन मिलता है जिससे आप ऑन ऑफ कर सकते हैं। बाकी यहाँ पर आप स्पीड वगैरह सेट ईजिली कर सकते हैं। बाकी यहाँ मोड्स चेंज के लिए यहाँ ये बटन देखने के लिए मिलता है। तो यहाँ जो है कई जगह पे आपको अलग अलग पार्ट्स, अलग अलग बटन्स देखने के लिए मिल जाते हैं। लाइक यहाँ देखोगे यहाँ भी आपको बटन देखने मिल जाता है जो कि है ऑन, यहाँ से ऑन के काम आएगा। बाकी ये जो है ये इसका बूट स्पेस ऑन करता है। बाकी का भी इसको दबा के बूट स्पेस ऑन करेंगे। और यहाँ देखोगे आपको USB पोर्ट देखने के लिए मिल जाता है, आप अपनी डाटा केबल लगा के ईजिली अपना फ़ोन चार्ज कर सकते हो, तो ये भी काफ़ी अच्छा है। बाकी यहाँ पर टांगने के लिए क्लिप देखने मिल जाता है जिसमें आप थैली वगैरह टांग सकते हो। बाकी ये जो बटन है ये बूट स्पेस ऑन करता है, हालांकि रिमोट के अंदर भी आपको ये बटन देखने के लिए मिल जाता है। बाकी का अभी हम इसको ऑन करते हैं। तो ऑन अगर करूं, ऑन करने के बाद अगर बात करिए डिस्प्ले की, तो यहां आपको एक फुल डिजिटल डिस्प्ले यूनिट देखने के लिए मिल जाती है जिसमें आपको काफ़ी सारे फीचर्स वगैरह प्रोवाइड किए जाएंगे। अभी बात करूं यहां पर आपको मोड्स दिखाऊं, तो यहां पर आपको फर्स्ट इको मोड देखने मिल जाता है। देन उसके बाद आपको यहां पर ये राइड मोड शो हो जाएगा। राइड मोड के बाद यहाँ आपको स्पोर्ट मोड मिलेगा, बाकी यहाँ पर कस्टम मोड मिलेगा। कस्टम मोड में सेटिंग्स में जाके आप अपने हिसाब से सेटिंग्स वगैरह ऑन कर सकते हो, अपने हिसाब से सेटिंग कर सकते हो कि किस स्पीड रेंज पर पर्टिकुलर स्कूटर रहेगा। बाकी का फुल डिजिटल डिस्प्ले यूनिट में जो है वो आपको अलग अलग फीचर्स देखने मिलेंगे। लाइक इसके अंदर आप अपना DL RC या फिर और कोई डॉक्यूमेंट्स भी वगैरह अपलोड कर सकते हो। बाकी मोबाइल कनेक्टिविटी के साथ आपको नॉर्मल नेविगेशन भी देखने के लिए मिल जाता है, और यहाँ नॉर्मल से इंडिकेशंस देखने के लिए मिलते हैं, और यहाँ पर आपको पार्किंग भी देखने के लिए मिल जाती है। यहाँ ये देखोगे आपको पी नज़र आएगा, बाकी इस पर क्लिक करोगे तो ये आपको शो कर देगा कि किस तरीके से आपको इसको पार्किंग यूज़ करनी है। तो ये तो काफ़ी अच्छे फीचर्स निकल के आ जाते हैं इसके मीटर के अंदर। बाकी स्पीड जो है वो काफ़ी अच्छी निकल के आती है एंड काफ़ी बढ़िया निकल के आती है। अभी बात करी जाए इसकी बैटरी की, तो यहाँ जो बैटरी है ना वो आपको लगभग 4 kWh की बैटरी पैक देखने के लिए मिल जाती है। अभी मैं करता हूँ इसका बूट स्पेस ऑन। बूट स्पेस आप कीलेस जो इसका रिमोट है उससे भी ऑन कर सकते हो। बाकी का आपको यहाँ पर एक स्विच और देखने के लिए मिल जाता है जिससे आप इजीली इसका बूट स्पेस ऑन करोगे। यहाँ से ये यहाँ से हो गया, और यहाँ से आपको इस जगह से पुश करके इसको उठाना, इजीली ये ओपन हो जाएगा। अभी दिखाएं आपको अंदर, तो यहाँ देखने के लिए मिलता है आपको ये इसका जो चार्जर है, ये चार्जर है। बाकी यहाँ से आपको चार्जिंग के लगभग 3 ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएंगे, जिसमें से सबसे पहला जो ऑप्शन है वो इस जगह पर है। आप इस जगह चार्जर कनेक्ट करके आप इजीली चार्ज कर सकते हो। बाकी जो टाइमिंग होगी वो ऑलमोस्ट 7 से 8 घंटे लेगा इस जगह चार्ज होने पे फुल जो बैटरी है इसकी पूरी। बाकी यहाँ पर आपको एक और चार्जिंग पोर्ट देखने मिलता है जो कि इस जगह पे है, ये देखोगे यहाँ पर। और तो यहाँ पर जो आपको जो चार्जिंग पोर्ट मिलता है ये फास्ट चार्जिंग है, आप 0 से 80 लगभग 65 मिनट में यहाँ से चार्ज कर सकते हो। बाकी अभी बात करी जाए बूट स्पेस की, तो लगभग 26 लीटर का बूट स्पेस देखने को मिलेगा। यहाँ देखोगे इसकी चाबी जो है रिमोट, उसमें एक छोटी सी की मिलती है जो इसको ओपन करने में आएगी। बाकी यहाँ पर 2 kWh की दो बैटरी देखने को मिलती है, टोटल 4 kWh की बैटरी हो जाती है। इनको आप इजीली रिमूव करके ले जाके अपने घर पे भी चार्ज कर सकते हो, काफ़ी अच्छा यहाँ पर बैटरी ऑप्शन देखने के मिल जाता है। बाकी आप इसे सिंगल बैटरी पे भी चला सकते हो और इस वाले पार्ट को इजीली रिमूव भी कर सकते हो। और वहीं बात देखोगे तो यहाँ आपको काफ़ी सारा स्पेस मिलेगा, इसके अंदर आप एक फुल फेस हेलमेट ईजिली रख सकते हो। तो अभी इसको बंद कर देते हैं। और इसकी जो सीट है इसे कुछ इस तरीके से बनाया गया है कि ये आपको लाइक ऐसा देखने के लिए मिल जाता है, काफ़ी बढ़िया। ऐसे देखोगे तो इसको स्प्लिट बनाया गया कि ये जॉइंट है, एक में ही आपको देखने मिलती है, बट काफ़ी बढ़िया यहाँ पर कस्टमाइजेशन निकल के आते हैं। अभी मैं बात करूं इसके वेट की, तो लगभग 125 किलोग्राम इसका वेट देखने मिलता है। ग्राउंड क्लियरेंस की बात करी जाए तो 155 mm इसका ग्राउंड क्लियरेंस है। सीट हाइट की बात करी जाए तो 780 mm सीट हाइट देखने को मिल जाती है, जो कि शॉर्ट हाइट राइडर के लिए भी काफ़ी अच्छा है, काफ़ी बढ़िया यहाँ पर ग्राउंड क्लियरेंस वगैरह निकल के आता है। बाकी रेंज वगैरह मैंने बता दी। अब बात कर लेते हैं प्राइस पॉइंट की, कि किस प्राइस पॉइंट पे आपको ये गाड़ी देखने के लिए मिलने वाली है। तो लगभग 1,25,000 आपको ये डेली प्राइस देखने के लिए मिलेगी, डेली NCR प्राइस, जो कि प्राइस जो है वो काफ़ी वैल्यूएबल प्राइस हो जाता है। बाकी आपको इंडियन मार्केट में, भारतीय बाज़ार में इसके काफ़ी सारे राइवल्स देखने को मिलेंगे। इलेक्ट्रिक सेगमेंट में आपको अलग अलग स्कूटर्स देखने मिलेंगे, जिसमें से आपको फर्स्ट ओला देखने को मिलता है,
TVS का IQube भी देखने को मिलता है, और भी बहुत सारे स्कूटर्स हैं जो राइवल्स देखने को मिलते हैं। बाकी उनके साथ भी हम इसका कंपैरिजन बनाएंगे, वो वीडियो भी आपके लिए लेके आएंगे। बाकी ये वीडियो कैसा लगा है हमें कमेंट करके बताइएगा। बाकी चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर इसके वीडियो को लाइक कीजिए।